तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं टी प्रांजल का चैनल और आज हम लोग करने वाले अपने हार्डकोर सीरीज़ का पार्ट टू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इसके पहले भी एक पार्ट बना रखा है, पर अगर वो आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और भाई, ये ब्लैक स्मिथ इतने सारे इस विलेज में क्या कर रहे हैं। हाँ, तो लास्ट एपिसोड में मैं बता रहा था कि मैं कहीं खो जाऊंगा। हाँ भाई, मैं अपनी इन्वेंटरी खाली करके जाने वाला था और एक विलेज की खोज में विलेज मिल गया, पर मैं अपना घर भूल गया भाई। एक तो कोऑर्डिनेट्स भी ऑफ कर दिए थे मैंने उस समय। घर विलेज मिल गया पर घर भूल गया। इतना अच्छा सा घर बना के रखा था मैंने आपको दिखाने के लिए, पर कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे हम लोग। पर विलेज मिल गया हमें और बहुत सारे आयरन। तो सोचिए गाइस, यहाँ पे इतने, ओ भाई रवीन जैसा ही कुछ है ये, कोल है वहाँ से ले लेंगे बाद में। और हाँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इसके पार्ट थ्री में हम लोग एक पोटैटो फार्म बना के रखेंगे और फिर बहुत सारे पिग्स को ट्रैप करेंगे, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग कर। और भाई, ये फेंस क्यों लगाते हो जब बंदा घिनी जाए? मतलब ये तो वही बात होगी ना कि कोबल स्टोन जनरेटर बनाया और बन गया ऑब्सीडियन। पता है इसका कोई सेंस नहीं बनता। और अब क्या करें, खाना खा लेते हैं, और क्या करेंगे। और भाई घंटा बजाऊं क्या? नहीं, रहने दो। और अब यहाँ से हम लोग, एक और केव मिल गई है छोटी सी, पर वहाँ नहीं जाना। और अभी हम लोग यहाँ थोड़ा खाना जमा करते हैं। खाना जमा हो रहा है हमारा, ठीक है गाइस, हमारे पास खाना आ चुका है बहुत। और भाई, ये बिल्ली बाहर क्या कर रही है? बेबी बिल्ली हमारे, आप सोच रहे होंगे कि मेरे एक्सपीरियंस इतने कैसे कम हो गए। तो हाँ, मैं बता दूं कि भाई मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने ना बीच में ऐसे एक स्ट्रक्चर ढूंढना था, वहाँ से मुझे दो डायमंड्स भी मिल गए थे और ऑब्सीडियन भी मैंने तोड़ लिए थे एक डायमंड पिकैक्स बना के। फिर वहाँ से मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया, फिर सोचा विलेज जा के ऐसे कर दूँगा। पर भाई, मैंने डायमंड पिकैक्स में वो अनब्रेकिंग 3 लग गई, उससे मेरे लेवल्स भी चले गए थे। अनब्रेकिंग 3 नहीं भाई, उसके लिए तो बुक शेल्फ चाहिए। अनब्रेकिंग 3 नहीं, तो को भाई याद करके बताने दो क्या लगी थी। हाँ, अनब्रेकिंग 1 लगी थी और एफिशिएंसी 1, उससे मेरे लेवल्स भी लॉस्ट हो गए। और हाँ, मैं ऐसे ही विलेज ढूंढते ढूंढते एक लावा पूल मिला और उस लावा पूल को देख रहा था कि मैंने गलती से भाई क्या ही बोलूं, गलती से अपना डायमंड पिकैक्स और मतलब डायमंड पिकैक्स ही फेंक दिया। और एन्चेंटमेंट टेबल तो भाई भूल जाओ, अगले एपिसोड में बताऊँगा। ओके, अभी हम लोग को थोड़ी सपोर्ट चाहिए जो कि यहाँ से ईजीली मिल जाएंगे। और अभी हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं भाई। बिना क्राफ्टिंग टेबल बनाए हमने आधा आयरन आर्मर बना लिया है, आयरन के दो दो स्वॉर्ड्स, एक पिकैक्स भी बना लिया है बिना क्राफ्टिंग टेबल के। इस बात पे एक लाइक तो बनता है, फ्री होता है, सब्सक्राइब तो और फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रखो और चलो अभी के लिए हम लोग इसके और प्लैंक्स बनाते हैं। और फिर अभी हम लोग एक एक्स बना ले क्या? नहीं छोड़ो, स्टिक बना लेते हैं पहले। ऐसे स्टिक बन गई हमारी और एक्स भी बना ही लेते हैं। चलो छोड़ो, वो बना लेते हैं। अभी हम लोग जल्दी से बना हेबेल्स उठा लेते हैं। हो से क्यों तोड़ रहा हूँ मैं, पिकैक्स से तोड़ो, एक्स बना लेनी चाहिए थी। पर कोई नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने हेबेल्स लेने, अपने खाने का सोर्स लेने। यस, कम हेयर, ओके। और भाई, ये कैसा वुल्फ है भाई? मैं बीटा वर्जन में खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वुल्फ से मुझे डरा दोगे। ए, कैसा वुल्फ है? मीट खाएगा? छोड़ो भाई, चल निकल, अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, निकल निकल। ये भाई डैमेज भी नहीं पड़ा कुछ मुझे। और हाँ बताइए, हाँ इसी पिक को मैं कैद करूँगा, इसी पिक को। अभी के लिए इसका पॉप टॉप ले लेते हैं थोड़ा। और अब क्या करें बताइए आप, क्या करें क्या करें? तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी माइनिंग कर लेते हैं। ओ ओ, डैमेज डैमेज नहीं, डैमेज नहीं। और पता है यहाँ पे एक विलेजर
बेबी क्या कर रहा है बीच में यहाँ पे। एक विलेजर ने मुझे दिया था अनब्रेकिंग, क्या बोल रहा हूँ, एक स्वॉर्ड जिसमें लगा था स्माइट वन और अनब्रेकिंग थ्री, और वो उसका उसके रेयर चांसेस है बहुत। और पता उसका कॉस्ट क्या था, 30 एमरल्ड्स बस। अब मुझे पता नहीं है ज़्यादा है या कम है, क्योंकि मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं किया विलेजर के साथ, हमेशा मैं क्रिएटिव मोड यूज़ करता था। पर हार्डकोर है यार, जावा एडिशन होता तो कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर जावा एडिशन में क्रिएटिव यूज़ कर लेता, पर ये तो बेडरॉक है, इसमें हम लोग क्रिएटिव यूज़ नहीं कर सकते। हार्डकोर मोड में सब कुछ डिसेबल हो जा रहा है। ओके तो गाइस अब हम लोग यहाँ से अपना कूपर उठा लेते हैं, कूल भी उठा लेते हैं, और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा मेरी एक माइन दिखा दूंगा, और आपको एक पोटैटो फार्म तो बना बना दिखा दूंगा, ऑफलाइन वर्क में बना दूंगा। और भाई यहाँ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, रोशनी बनाओ, रोशनी, हाँ कोल से रोशनी बनाओ, क्या लॉजिक है कोल से रोशनी, वैसे रोशनी बनी रही है टॉर्च। ओके मोमबत्ती बन गई हमारी, और अब हम लोग यह कूपर और कोयला तोड़ लेते हैं अपना। कूपर और कोयला तोड़ने के बाद हम लोग अपना आउट्रो करेंगे। तो कूपर और कोयला टूटने ही वाला है, मस्ती। भाई ये जो कोयले होते हैं ना, इतने ज़्यादा मिलते हैं एक साथ कि भाई एक्सपीरियंस लेवल बढ़ ही जाता है एकदम से। और हाँ आप बताइए कमेंट में कि अगले एपिसोड में हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग एक एक्सपीरियंस फार्म बनाएं या कुछ और करें, अपने घर पे थोड़ा काम करें, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे डायमंड्स माइनिंग, तो अगला और उसका भी अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उस वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए मेरा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से हाउस को अपग्रेड करना है या फिर हम लोग वहाँ पे एक एक्सपीरियंस फार्म बनाएं। और हाँ शेयर लिंक कॉपी कर दीजिए सब कुछ, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैं लावा के साथ बाय बाय करवाता हूँ आपका, आइए लावा भी आपको बाय बाय बोलेगा, और वो लावा कहीं तैर भी नहीं सकता कहीं और, मैं सीन ही कट कर दूंगा, कहीं और जा ही नहीं पाएगा लावा। और जैसे ही सीन कट करूंगा लावा से थोड़ा दूर भागूंगा,